राम राम दोस्तों, क्या हाल है। तो आज आप एक नई मूवी लेके आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है और सुपर स्टोरी है। इस मूवी का नाम है एज ऑफ टुमारो जो कि 2014 में आई थी। ये आपने नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो आज आप बात करेंगे ये मूवी आपने क्यों देखनी चाहिए और क्यों ये मैंने बढ़िया लगी। सबसे पहली बात तो मैंने टाइम ट्रैवल और साइंस फिक्शन वाली मूवी दिलचस्प लगे, थोड़ी थ्रिल वाली भी, तो इसमें साइंस फिक्शन तो बरपर के है। इस मूवी की स्टोरी 2030 या 35 के आसपास है जहाँ साइंस थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, पर इतनी भी आगे नहीं बढ़ी कि एआई रोबोट्स आ चुके हैं, एआई ने दुनिया पर कब्जा कर। तो इसकी बेसिक स्टोरी कुछ इस तरह की, एलियंस ने धरती पर हमला कर दिया है और वह धरती पर राज करना चाहता है। हाँ, स्टोरी आपने बहुत सिंपल लगेगी, पर इसके जो आगे मैं कहने वाला हूँ वो दिलचस्प। तो एलियंस ने बहुत सी धरती पर कब्जा भी कर लिया, आर्मी ने तैयार किया जाए इनका लड़ने वास्ते, क्योंकि एक तरीके से सुसाइड मिशन होगा क्योंकि एलियन बहुत ही ज्यादा ताकत। मैं बीच में बात करना चाहूंगा कि जो एलियन हो ना, ज्यादातर जो कीड़े मकोड़े में दिखाऊँ वो मेरे तो पसंद नहीं आते, थोड़े इंसानी रूप में होने वो थोड़े, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत तो होती नहीं। तो जब आर्मी ने भेजा जावा उनका लड़ने वास्ते, उनमें एक बंदा होगा विलियम नाम का, जिस तरह टॉम क्रूज है, टॉम क्रूज ही कमेंगे क्या था। तो वैसे तो वो मेजर होगा पर वो आर्मी में जाने तक डरा है क्योंकि वो मौत का डर है, इस करके वो नए मिशन पे जाना चाहता क्योंकि उसने पता है वहां जान जाने का कितना बड़ा खतरा है। और होता भी ऐसा, उसको जबरदस्ती मिशन पे भेज दिया जाएगा और वो वहां मर जाए। तो आप सोचे होंगे ये तो बड़ी बुद्धू सी स्टोरी है, ये खुद स्टोरी नहीं है, ये चीज स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में ही बस वो वहां पर मर जाए, पर उसके साथ कुछ ऐसा हो वो रिपीट वैसा ही दिन जीवे, यानी वो पिछले 24 घंटे में चला जावे जहां वो उठा, फिर तो उसको आर्मी में जाने वास्ते फोर्स किया जावे, वो आर्मी कैंप में जावे और फिर वहां जावे लड़े और फिर मर जाए। अब सोच रहे हो बार बार मरे जीवे किस तरह, ये तो आपने मूवी देख के पता लगेगा। अब जिस तरह वो अगले दिन उठा है तो उसने पता होगा कि मैं किस तरह के मरने वाला हूँ या मेरे साथी किस तरीके से मरने वाले हैं, तो वो कोशिश करे कि अपने साथियों का बचाऊ, पर वो नहीं बचा पाऊंगा फिर मर जाए। तो उस तरह वो बार बार कोशिश करे कि अपना साथियों ना बचाऊ। तो उसने इसी बीच में लड़की भी मिला, वो भी एक मेजर हुआ, वो उसकी हेल्प करे एरियन तक लड़ने की कोशिश करे, और वो बार बार उस मिशन पे जावा है, लड़ा है, मरा है, कई अलग अलग ट्राई करा, कई बार तो छोड़ ही दिया मिशन ने। यानी बहुत कुछ स्टोरी में बहुत साइंस फिक्शन घुमा घुमा के दिखाई गई अपनी स्टोरी, यानी कि ये एक तरीके से टाइम लूप समझ सको आप। इस मूवी तो देखते टाइम ने लोकी सीजन 2 की याद आ गई थी, जिस तरह उसमें आखिर में टाइम लूप दोबारा लास्ट एपिसोड में दिखाया गया, वही सेम चीज है इसमें, वही सेम चीज। इसके वीएफएक्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, जो आर्मी सूट्स दिखाए गए हैं, जो लोकेशन दिखाई गई है, जो एरियंस दिखाए हैं, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और देखने में मजा आता है। हम हॉरर फिल्मों की कई बार एक आदत होती है साइंस फिक्शन फिल्मों की, हम एक ही चीज बार बार देख के बोर हो जाते हैं, पर एज ऑफ टुमारो ऐसा नहीं करती, हमें सीन बार 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 दिखाए जाते हैं, पर मैं तो 1% भी बोर नहीं होती, 1% क्योंकि हमें अगले दिन कुछ नया दिखाया जाता है ना, क्योंकि पिछले दिन तो वो बंदा है वो चीजें कर चुका है, और बीच में ऐसा नहीं है कि वो आदमी मेरे ख्याल से 300-400 बार पता नहीं कितनी बार मरता है, और हम उन चीजों को फील कर पाते हैं कि ये चीज ये पहले कर चुका है। बाकी इस मूवी की कमी की बात करूँ तो मेरे को एक ही कमी लगी कि इस लड़की के पीछे इतना भाग क्यों रहा था, अगर वो चाहता तो वो अकेला भी कर सकता था ना ये सब कुछ, पता नहीं क्यों उस लड़की को लेके जाना था उसको, खैर छोड़ दो ये बात। और अंत में मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो टॉम क्रूज का कैरेक्टर है, जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया वो कितना डरपोक है और वो मरने से बहुत डरता है, जैसे कि हम सबको पता मरने से हर कोई डरता है यार, इसमें कोई जरूरत नहीं है, पर एक ऐसी नौकरी होती है जिसमें मरने से हमें नहीं डरना चाहिए और ना ही वो हमें डरने देती है, जिसका नाम है आर्मी, इंडियन आर्मी या कोई सी भी आर्मी कहना, क्योंकि देश के बारे में पहले सोचते हैं अपनी जान से भी पहले। पर टॉम क्रूज का कैरेक्टर होता है वो मरने से बहुत ज्यादा डरता है और उसको लड़ाई वगैरह करनी भी नहीं आती, और वो धीरे धीरे उसको मरने का डर भी खत्म हो जाता है और वो अपनी लड़ने की ताकत को कितना बढ़ा लेता है ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बस मेरे ख्याल से इतनी बातें काफी हैं, अगर आपने मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे जाकर जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।